जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज पर। साथियों, आज इस सीरीज का जो साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है उसका चौथा वीडियो है और इस सीरीज में हम 10-10 क्वेश्चन देखते हैं, आपके साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम और सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर आ रहा था। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 101% आने के चांस हैं आगे की सभी परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज की वीडियो का। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है, तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है साथियों? देखिए, यहाँ पर वंशानुक्रम भी होता है प्रमुख कारण में और वातावरण भी होता है, ठीक है। यहाँ पर बुद्धि का अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपके लिए सबसे बेटर होगा क्योंकि यहाँ पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को एक साथ दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहा है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कि वह साथियों बच्चों का कौन सा मौखिक परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे अपने मुख से ही बताएंगे और जब मुख से बात किया जाए तो उसे कहते हैं मौखिक, ठीक है। तो मौखिक, यहाँ पर कोई लिखने की बात नहीं हो रही है, प्रयोग की बात नहीं हो रही थी, क्रिया करने की बात नहीं हो रही है, केवल साथियों मुंह से बोलने की बात हो रही है, इसलिए मौखिक हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? व्यक्तिगत विभेद जानने की बात हो रहा है तो क्या निबंध लिखवा कर जान सकता है? नहीं। वाद विवाद प्रतियोगिता से जान सकता है? नहीं। परीक्षा परिणाम से? नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। वैयक्तिक विभिन्नता जानने के लिए साथियों मनोवैज्ञानिक परीक्षण निर्माण किए गए हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा, तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा वैयक्तिक विभेद की जानकारी हम छात्रों में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? अध्ययनकर्ता मतलब बच्चे की बात हो रहा है, स्टूडेंट की बात हो रहा है, ठीक है। किस विधि में, शिक्षण विधि की बात कर रहा है कि बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों साक्षात्कार विधि में, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। साक्षात्कार विधि में आपका जो बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों से, माता पिता से, अध्यापक से मिलकर प्रश्न पूछता है, विविध तमाम प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो लाइक जरूर करिएगा साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? तो कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश है वो साथियों नई शिक्षा नीति ने किया था। किसने? नई शिक्षा नीति ने किया था, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपका जो चयन है वो ऐसे क्षेत्र में हो जाता है या आपका ट्रांसफर हो जाता है ऐसे क्षेत्र में जहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का प्रयास करेंगे? नहीं, ठीक है। अब आप अभी आपका स्थानांतरण हुआ था, तुरंत आपका पुनः स्थानांतरण तो हो नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा कि वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे, और ये ऑप्शन अधिकाधिक मौन रहेंगे, नहीं, वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करेंगे और शिक्षण कार्य प्रगति पर लाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से, मान लीजिए शिक्षण कार्य में साथियों दैनिक जीवन की जो घटनाएं चल रही हैं बालक के हमारे समाज में, उन घटनाओं को अगर हम उदाहरण के रूप में समावेश करा दें, ठीक है, उनका प्रयोग करें तो क्या होगा? ठीक है, छात्र प्रसन्न होंगे? नहीं। अध्यापक को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं सही उत्तर होगा। कक्षा में शांति बनी रहती है? नहीं। सबसे जो मेन सही उत्तर होगा, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, ठीक है।
अगर हम साथियों दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण बच्चों को समझाएंगे दिखाएंगे तो इससे साथियों बच्चा जल्दी से सीखेगा और उनको अच्छा भी लगेगा, रुचिकर भी लगेगा, उनके लिए सरल भी होगा और उनके आगे के जीवन में भविष्य में उपयोगी भी होगा। ठीक है, दैनिक जीवन की घटना होगी तो भविष्य में चलकर उपयोगी होगी ही। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। ठीक है, बच्चों की जो पुस्तकें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं तो इस पर आप जो है इनके हानिकारक होने की आप क्या राय देंगे। तो देखिए, प्रत्येक छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, गलत है। अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितना ज़्यादा बच्चों पर लोड दे दिया जाएगा वो साथियों कुंठित हो जाएंगे, उनका दिमाग जो है कुंठित हो जाएगा, पुस्तकों तक ही सीमित रह जाएगा। ठीक है, सामाजिक भावनाओं का विकास नहीं होगा, सामाजिकता नहीं आएगी। ठीक है, और अन्य तरह की जानकारी नहीं हो पाएगी, वे एक ही चीज़ में फंसे रह जाएंगे, अध्ययन के प्रति आरुचि नहीं, कंधे की हड्डी का पर कुप्रभाव पड़ेगा। ये तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा कि उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए। देखिए, तो आपका पहला ऑप्शन है शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, नहीं भाषण देना चाहिए, नहीं छात्रों को अवसर देना चाहिए। बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, छात्रों में श्रम के महत्व को विकास हेतु, यानी कि छात्रों में श्रम की भावना का विकास हो इसके लिए छात्रों को तरह तरह के अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चा खुद करने के लिए लालायित हो, खुद करे कार्य को, तो उसमें परिश्रम की भावना आएगी। ठीक है, श्रमजीवी लोगों का उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही तैयारी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो पाने के लिए घंटी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, मान लीजिए परीक्षा समीप है और साथियों आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे। देखिएगा ध्यान से, छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कहेंगे नहीं। ठीक है, तो बच्चों को स्वयं कैसे हम कहेंगे, तो बच्चे नए हैं तो खुद सीख थोड़ी ना पाएंगे। कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, नहीं, इससे जानकारी अधूरी हो जाएगी और हम अपने कर्तव्य के प्रति अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, नहीं, घर पर नहीं बुलाएंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है कि अतिरिक्त समय देंगे, मान लीजिए 5 घंटे का क्लास टोटल है तो हम 1 से 2 घंटे अधिक लेंगे और जो सब्जेक्ट हमारा पीछे है उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे बच्चों को और सब्जेक्ट को पूरा कराएंगे। तो उम्मीद है आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो उम्मीद है वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।